डिकॉक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी कि जो हम लोग मेनस्ट्रम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा वाटर, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ड्रग लिया आप लोगों ने, उसका साइज रिड्यूस कर दिया उसको, यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस ड्रग को एक वेसल में डालना है, वेसल में डालने के बाद उसमें वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करने के बाद उसको ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद उसको बॉईल करना है कम से कम 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको कूल कर लेना है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद स्ट्रेन कर लेना है लिक्विड को, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। चाय बनाते तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेसल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद हम लोग चाय डालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चाय को बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्क इतना है कि चाय को हम लोग गर्म गर्म ही छान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लिक्विड है उसको हम लोग, सॉरी, जो हमारा मिक्सचर है ड्रग का और वाटर का जो बॉइल हुआ है उसको हम लोग तब छानेंगे जब वो कूल हो जाएगा, ठीक है। कूल होने के बाद उसको छान लिया, लिक्विड निकल गया, उसके बाद जो मार्क बचा है यानी कि जो रेजिड्यू बचा है, ऊपर वाला जो पार्ट बचा है, सॉलिड मटेरियल बचा है, उसको आपको प्रेस करना है। जब आप प्रेस करोगे तो थोड़ा और लिक्विड एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कम्प्लीट हो गया है, डिकॉक्शन भी।